जब तुम अपनी घनी जुल्फों को आजाद करती हो, खुदा जाने कितनों का नियत बर्बाद करती हो। जब तुम अपने घनी जुल्फों को आजाद करती हो, खुदा जाने कितनों का नियत बर्बाद करती हो। यूं तो मौसम की भी अदा खूब है बहलाने की, यूं तो मौसम की भी अदा खूब है बहलाने की, मगर जाने मन तुम जो हो बेहिसाब करती हो। इसी से एक और अधूरा गजल है, मेरा इश्क अधूरा था गजल कि अच्छा ये जो होठों से लगा पानी को शराब करती हो, अच्छा ये जो होठों से लगा पानी को शराब करती हो, क्यों मुस्कुराकर पूरे मोहल्ले की नियत खराब हो। यूं जो होठों से लगा पानी को शराब करती हो, क्यों मुस्कुरा मोहल्ले की नियत खराब करती हो। और यूं जो सवर कर निकलती हो मौसम भी बदल जाते हैं, यूं जो सवर कर निकलती हो मौसम भी बदल जाते हैं, क्यों गीले जुल्फों को झटका आफताब को भी मेहताब करती हो। जिंदगी है गुजार लेंगे, जो बिगड़ी है सुधार लेंगे। जिंदगी है गुजार लेंगे, जो बिगड़ी है सुधार लेंगे, जो खफा है रह जाएंगे, गर रिश्ते हैं तो सवार लेंगे। कह दो हालातों से बिखरे हैं टूटे नहीं, कह दो हालातों से बिखरे हैं टूटे नहीं, गरीबी में पले हैं मुफलिसी में भी हंसकर गुजार लेंगे। एक अंतिम से ब्रेकअप के बाद लिखा था। अब कहाँ मिलना मिलाना होता है, अब कहाँ मिलना मिलाना होता है, उसे देखे भी एक जमाना होता है। संग जीने की जो बातें होती थी सब झूठा अफसाना होता है, वफा की बातें मक्कारी होती हैं, दिल को बस बहलाना होता है। वफा की बातें मक्कारी होती हैं, दिल को बस बहलाना होता है। अब कहाँ कोई लैला दीवानी होती है, कहाँ कोई मजनू दीवाना होता है। अब गरीबी खुद में एक धर्म है और भूख एक जात। तो फिर मैं कहता हूं, सुनिएगा, आप भी उस जात के लोगों से मिले होंगे जो कभी सिनेमा घरों में, कभी मेट्रो स्टेशन पर आपका हाथ पकड़ लेते हैं कुछ पैसों के लिए। मैं भी ऐसे किसी बच्चे से मिला था, मगर पैसा उसे नहीं चाहिए था। उसे क्या चाहिए था मैं सुनाता हूं। कि वो टूटे चप्पल और फटे कुर्ते वही उसके पहचान थे, वो टूटे चप्पल और फटे कुर्ते वही उसके पहचान थे। किसी मेट्रो स्टेशन पर मारा फिर रहा था वो, लोग उसकी अनकही ख्वाहिशों से अनजान थे। उसने औरों की तरह मेरा भी हाथ पकड़ लिया, उसने औरों की तरह मेरा भी हाथ पकड़ लिया, मेरे बढ़ते कदम को अपनी मजबूरियों से जकड़ लिया। उसने औरों की तरह मेरा भी हाथ पकड़ लिया, मेरे बढ़ते कदम को उसने अपनी मजबूरियों से जकड़ लिया। मैं झुंझलाया, अमूमन हम यही करते हैं, मैं झुंझलाया, देर न हो रही थी फिर भी जल्दी दिखाया, जेब खाली है यह कह मैंने अपना रास्ता छुड़ाया। अभी कदम बढ़े ही थे कि वो मेरे पैरों में आ गिरा, अभी कदम बढ़े ही थे कि वो मेरे पैरों में आ गिरा, फिर उसने कुछ ऐसा कहा जो सीधा अहम से जा भिड़ा। वो कहता है, बोला भूखा नहीं हूं दिहाड़ी मेरे भी 50 है, बोला भूखा नहीं हूं दिहाड़ी मेरे भी 50 है, बस ख्वाहिशों के बस्ते में हकीकत वाले पन्ने उदास हैं। बोला भूखा नहीं हूँ दिहाड़ी मेरे भी 50 है, बस ख्वाहिशों के बस्ते में हकीकत वाले पन्ने उदास हैं। आपके जूतों को चमकाते चमकाते मेरी किस्मत धुंधली हो गई है, आपके जूतों को चमकाते चमकाते मेरी किस्मत धुंधली हो गई है, चंद पैसे तो मिल गए मगर ख्वाहिशें सारी खो गई हैं। वो विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन था, वहां नारे लिखे होते हैं हर जगह, तो वह बोलता है, सुना है आप ही लोगों को कहते हुए शिक्षा सबका अधिकार है, सुना है आप ही लोगों को कहते हुए शिक्षा सबका अधिकार है, फिर इन दीवारों पर लिखा नारा यह सब बेकार है। सुना है आप ही लोगों को कहते हुए कि शिक्षा सबका अधिकार है, फिर इन दीवारों पर लिखा नारा क्या सबका सब बेकार है। यही मेरी माँ के कहानियों के गांधी नेहरू बोस का भारत है ना, क्या यही उनकी झूठी सरकार है। वो अपनी बचपन की बातें बताता है कि उसकी एक माँ थी, जब एक कोई फिल्म स्टार मर जाए, कोई पॉलिटिशियन मर जाए, उसके पीछे एक हुजूम चला आता है, लेकिन एक गरीब मरता है तो चार कंधे भी नहीं आते हैं साहब। फिर वो बोलता है, सुनना, क्यों तो माँ बड़ी प्यारी थी मेरी पर बापू उनसे नाराज रहता था, यूं तो माँ बड़ी प्यारी थी मेरी पर बापू उनसे नाराज रहता था, क्योंकि जब भी वो पीकर आता था माँ को उससे ऐतराज रहता था। एक दिन आजादी की कहानियां सुनाते सुनाते एक दिन आजादी की कहानियां सुनाते सुनाते मेरी माँ खुद आजाद हो गई, एक दिन आजादी की कहानियां सुनाते सुनाते मेरी माँ खुद आजाद हो गई, बापू फिर कभी घर न लौटा, मेरी ख्वाहिशें सारी बर्बाद हो गई।
अभी कलम का बोझ उठाया भी नहीं था, अभी कलम का बोझ उठाया भी नहीं था कि भूख ने ललकार दिया, मेरी बढ़ती ख्वाहिशों को साहब मेरी मजबूरियों ने ही मार दिया। फिर उसने बड़े प्यार से कहा, कि भैया क्या ये क ख ग मेरी रोटी से महंगे हैं? या शिक्षा के बाजार में सब पढ़े लिखे अर्ध नंगे हैं? मैं कितनों से गिड़गिड़ाया कि भैया मुझे भी पढ़ा दोगे क्या, मेरे दिहाड़ी के 25 तुम रख लेना, मुझको भी क ख ग सिखा दोगे क्या? किसी ने हामी न भरी, कोई तैयार न था, सबकी हिकारत भरी नजर थी, किसी में प्यार न था। वह जाते जाते मुझसे कहता है कि भैया अगर पढ़ाई का यही अंतिम सिला है तो छोड़ो मुझे कलम से गिला है, और अगर आपके यूं हो जाने में उन मोटी किताबों का कसूर है तो छोड़ो जाने दो, मुझे अनपढ़ रहना मंजूर है। और यूं कह वह मेरी आंखों से ओझिल हो गया, मैं कुछ कह न पाया, मेरा दिल बोझिल हो गया। फिर आज का दिन है, आपके सामने खड़ा हूं, सवाल वही है, आखिर मैं क्यों पढ़ रहा।